नवादा जिले के सदर प्रखंड के ओढ़नपुर गांव निवासी कैप्टन मनोज कुमार 1987 में श्रीलंका के जाफना में शहीद हो गए थे। तब 2.5 साल के बेटे आराध्य अक्षत ने चाचा की गोद से मुखाग्नि दी थी। राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई थी। शहीद की भाभी गौरी देवी कहती हैं कि परिजन के खोने से ज़्यादा तकलीफ सरकारी उपेक्षा से हुई है। उनके जाने पर जितना दुख नहीं हुआ, गांव में उनके लिए कुछ भी यादगारी के लिए स्कूल में भी नहीं उनका नाम पड़ा, गांव में भी नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री यही है कि कम से कम इस गांव का उनके नाम से कुछ मनाया जाए। कैप्टन मनोज अकेले ऐसे शख्स नहीं है जिनकी अनदेखी हुई है। रोह के धनावा गांव के भारतीय सैनिक परमानंद कुमार, हिसुआ के छतिहर के संजय कुमार सिंह और मेढ़कुरी के अनिल सिंह जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ सैनिकों की कुर्बानी को लोग भूल गए। शहीद परमानंद की पत्नी रूपा और शहीद संजय सिंह की पत्नी सिंधु कहती हैं कि सरकारी अनदेखी से बड़ी निराशा हुई है। शहीद हुए उनके लिए हमको गर्व है कि शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन दुख इस बात की है कि ये आदमी संतुलना दिए कि ये करेंगे, स्मारक बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ, इसके लिए बहुत दुख है। और ये सरकार बोला था कि हाँ हम स्मारक बनाएंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, रोड बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बनाया। सरकारी उपेक्षा से तंग आकर मिसकौर के बैजनाथपुर के शहीद आशुतोष कुमार के पिता नरेंद्र कुमार ने खुद ही स्मारक बनवाया है, लेकिन पैसे के अभाव में मूर्ति नहीं लगवा पाए। प्रधानमंत्री देश के वीरों का सम्मान करते हैं, इस बात से उन्हें भी उम्मीद जगी है। उन्हें खर्चे से एक स्मारक छोटा मोटा बनवा दिए हैं, इस उम्मीद में कि लोग स्टैचूस पर लगा देंगे। शायद प्रधानमंत्री यह ख्वाहिश मेरा पूरा कर सकें, जो क्योंकि उनको शहीदों के प्रति आभार करने का उनका दूसरा तौर तरीका है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मेरे इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। वैसे तो शहीदों के स्मारक, शिलालेख और मूर्तियां अपनों के खोने का गम दूर नहीं कर सकेंगी, लेकिन देश के प्रति दी गई उनकी कुर्बानी को पीढ़ियां याद रखेंगी। शहीदों के इन परिजनों को आस जगी है कि अब शायद केंद्र सरकार उनके लिए भी कुछ करेगी। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।